शांति का मौसम। उधर नींबू के पेड़। चलो अब चलते हैं। आप बिना चप्पलों के आई हो? नींबू बड़े मोटे मोटे नींबू लगे हैं हमारे यहाँ पे, और एक नहीं काफी सारे हैं। दूसरे पेड़ पे देखेंगे जहाँ पे हाथ आ जाए। देखो कितने सारे। चल लाइट से ये रहे, ये पूरे पेड़ में नींबू ही नींबू भरे हुए हैं। हम एक तोड़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारा रस हो। ये रहे काफी सारे नींबू है, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। इसको तोड़ते हैं। ओ बहुत भारी है। मिल गया एक, तोड़ लिया एक नींबू। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक नींबू में बहुत काम हो जाएगा। इस वाले के अचार भी बनते हैं शायद, नींबू वाले, नॉट श्योर। इसके बूजो कहाँ चली? ये बूजो अभी खाना खा के आया था मेरे साथ, अब ये जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना बूजो? कहाँ जा रहे बूजो? बूजो चला, ठीक है। ये बूजो का प्लेस बन गया बैठने का, यहाँ बूजो आराम से बैठते हैं। हम जा रहे हैं, हाँ मैं आपको एक दिखाऊंगी। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, पूजा, तो उसके लिए पापा ने बनाया है ये। मैं बैक कैमरा करती हूँ अभी। ये छोटे छोटे तो केले के पेड़ लगाए हैं इधर, और यहाँ चतुर्थी की पूजा होने वाली है। 17 तारीख को विसर्जन होगा ना, तो हमारे यहाँ पे अलाव नहीं है नदियों वगैरह में मूर्ति को बहाना, गंदगी करना, तो इसलिए जेसीबी से खोद के ये बनाया गया है। तो 17 को जब आएंगे गणेश जी, तो मैं इसका फुल व्लॉग डालूंगी। ये कितना सुंदर लग रही है वैसे ये जगह, ये पूरी, और ये पापा ने बनाई है पूरी की पूरी अंदर से, बहुत मेहनत करके। खैर जब तक तो वो गांव चले जाएंगे, वो पूजा में तो शामिल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग उनकी जगह पूजा करेंगे। ओह शिट, ये टूट गया मुझसे, तो मार पड़ेगी यार, पता ना लग जाए किसी को। बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले, तो ये सारा से बारिश से हो गया। मैं ज़्यादा पास नहीं जाती, वरना रिपट के गिरी तो इसी के अंदर रह जाऊँगी। मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। इन दिनों काफ़ी बिजी थी पढ़ाई में, घर के काम में, और रोज़ाना बारिश हो रही थी। फाइनली आज बारिश रुकी है 3 दिन के बाद, उससे पहले भी कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही थी, इसलिए व्लॉगिंग भी बीच में छोड़ दी। अब फिर से अपना सब कुछ ट्रैक करना पड़ेगा। आज के दिन तक छोटा सा इधर पपीते लगे हुए, पपीते, एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ घर, और मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।